स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस कक्षा अष्टम द्वितीय पाठ श्रृंगालस्य चातुर्थ्याम। आज हम द्वितीय पाठ श्रृंगालस्य चातुर्थ्याम के कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स जो होते हैं, कैसे मूल्यांकन असाइनमेंट्स होते हैं। मैंने श्रृंगालस्य चातुर्थ्याम के बारे में कुछ स्टोरी के माध्यम से बताया कि जो श्रृंगाल है, कैसे एक गजह का मरा हुआ शरीर को कैसे दूसरे जानवरों के अनुरूप उनकी मांस का भक्षण करता है, कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश किया। जब भी आप वीडियोस देखेंगे, अच्छे से पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स देखिएगा, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती है मेरे को बताइए, मैं उसको पुनः आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में। बात करते हैं कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स जो दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर जो होते हैं मूल्यांकन असाइनमेंट में, पूर्ण वाक्य उत्तरत होते हैं, कुछ विशेषण विशेष्य मिलियत होती हैं, एंड कुछ पुरुष लकार वचन के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। प्रथम नंबर दिए हुए हैं शुद्धम विकल्पम चुनित। शुद्ध विकल्प पर आपको क्या करना है, चुनकर उत्तर देना है। जैसे फर्स्ट नंबर बताया गया है कि श्रृंगालस्य नाम किम आसीत, आपको यहाँ उनके नाम लिखने हैं, या फिर आप अलग से कुछ नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप नोट्स के थ्रू मैं आपको भेजूँगा, जब आप अच्छे से स्टडी करके समझ के लिखिएगा। प्रथम नंबर में बात की गई है कि श्रृंगालस्य नाम किम आसीत, श्रृंगाल जो था उनका नाम क्या था, क्या था, महाचतुर्कः। प्रथम नंबर में आप लिखेंगे कि महाचतुर्कः, ना तो लोमशः था, ना तो चित्रकः था, ना चतुर्कः था, क्या था, महाचतुर्कः। आप प्रथम नंबर के आंसर लिख सकते हैं। द्वितीय नंबर में बताया गया है कि द्वितीय नंबर में क्या दिया हुआ है, श्रृंगालः कस्य त्वं भेदुं न शक्तुं, श्रृंगालः कस्य त्वचं भेदुं न शक्तुं। यहाँ पर जो श्रृंगाल है, कस्य त्वं भेदुं, जो उनकी मांस को काट नहीं पाता था, ना शक्तु कर पाता था, किसकी मांस को, व्याघ्र की मांस को नहीं है, चित्रकस्य नहीं है, लोमसह नहीं है, क्या होगा, गजस्य, गजह की मांस को वह काटने में असमर्थ था बताया गया है। ओके, नीचे देखिएगा, थर्ड नंबर में बात की गई है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है थोड़ा फास्ट रहेगा, थर्ड में बताया गया है मातुल, मातुल इति संबोधिन श्रृंगालः कम संबोधयति, जो मातुल है इसमें संबोधन जो हुआ है, श्रृंगाल इसकी किसको संबोधित करता है, मातुल जो होते हैं किसको संबोधित करता है, आप आंसर क्या लिखेंगे, जो किसको संबोधित करता है, व्याघ्र को संबोधित करता है, किसको, व्याघ्रम, तो आप व्याघ्रम को उत्तर लिखिएगा, लोशम चित्रकम शिवम नहीं होगा, लोमस व्याघ्रम होगा। ओके, फोर्थ नंबर में बात की गई है, चतुर्थ नंबर में देखिएगा, चतुर्थ नंबर में बात की गई है कि व्याघ्रे गते कह तत्र समायातः, जो व्याघ्र है गते कह तत्र समायातः, वहाँ पर बात यह आती है कि जो व्याघ्र है वहाँ कहाँ समाते हैं, सिंह श्रृंगाल चित्रकः शार्दूलः, तो क्या हो जाएंगे, चित्रकः, ख नंबर आपका चित्रकः हो जाएगा, व्याघ्र चित्रकः, तो आप चित्रकः को टिक लगाइएगा। ठीक है, उसी प्रकार दृढ़दृष्टम कह आसीत, दृढ़दृष्टम कह आसीत, दृढ़दृष्टम जो होती हैं क्या होंगे, इसमें भी आएंगे आपके चित्रकह, दृढ़दृष्टम में भी आएंगे आपका चित्रकह होगा। शुरम कथम योज्यते, शुरम कथम योज्यते भेदन प्राणिपातेन अल्पपातेन पराक्रमेण, तो प्रणिपातेन को आप लोग टिक लगाएंगे, प्रणिपातेन। तो इस प्रकार मैंने आपको कुछ शुद्ध विकल्प के बारे में बताया कि शूर जो होते हैं किसको योजित करते हैं, तो प्राणीपतन को, दृढ़दृष्टम कह आसी, दृढ़दृष्टम मतलब होता है वहाँ पर जो दाढ़ी वाला था वो कौन था, चित्र कह के रूप में, व्याघ्र लोमशासी है तो चित्र कह, तो आप अच्छे से इसको आंसर को लिखिएगा।
कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, पूर्ण वाक्य उत्तरत लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखिएगा इनकी जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा, प्रथम नंबर, द्वितीय नंबर और तृतीय नंबर, जैसे फोर्थ नंबर के बारे में भी बात की गई है, तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको एक नोट्स के रूप में आपके ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा, उसको अच्छे से समझ के आप लिखिएगा। जैसे बात की गई है प्रथम नंबर में, क्या बात की गई है कि सिंहम दृष्टवा श्रृंगाल किम औदत, सिंहम दृष्टवा श्रृंगाल किम औदत, सिंह ने श्रृंगाल को देखकर क्या कहा, है ना, क्या कहता है, तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे इस सिंह दृष्टवा श्रृंगालस्य स्वामिनाम अहम तद्विं लांगुडिकम सर्वभेदुम तुम गजह रक्षामि एतिम भक्षति स्वामी। वह बोलता है कि सिंह को देखकर, जो लांगुडिक है उन्होंने श्रृंगाल को देखकर कहता है कि यह जो हाथी है, मरा हुआ हाथी की मैं रक्षा कर रहा हूँ, गजह की रक्षा कर रहा हूँ, है ना, इसे सिंह ने मुझे रक्षा करने के लिए यहाँ पर देखने के लिए बोला है। ऐसे बोलकर वह सिंह को क्या करता है कि मौदत कहता है, ठीक है। उसी प्रकार द्वितीय नंबर दी है कि सिंहम श्रृंगलम व्याघ्र विषय किम आदिष्टवान आसीत, श्रृंगाल विपिने किम प्राप्तवान। तो इस प्रकार मैं आपको अच्छे से इसको स्टडी करके जब नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है बेटा। पेज नंबर 9 के बाद 10 देखिएगा, 10th में कुछ बताए गए हैं, क्या बताए गए हैं, 10th की बात आती है, जैसे नीचे 10th पैराग्राफ्स में बताया गया है, 10th पैराग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10th पैराग्राफ्स में आपको कुछ उदाहरण मनु सृष्य साधुम प्रीप्तम च प्रतिकृत दिया हुआ है, क्या दिए हुए हैं कि मनु 3rd नंबर में उदाहरण मनु सृष्यतम धातु प्रत्ययम च पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार आपको धातु और प्रतीक को क्या करना है, अलग करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये पद दिए हुए हैं, पद में से धातु उपसर्ग धातु और प्रत्यय को क्या करना है, अलग कीजिए। जैसे विचरण बी उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो लगते हैं शब्द के बाद में लगते हैं, तो यहाँ पर उपसर्ग शब्द के पहले लग गया है और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगते हैं। तो प्रथम नंबर में दिए हुए हैं, जैसे परिभ्रमण 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 का जो प्रत्यय होगा क्या होगा, परी परी यहाँ पर परिभ्रमण का प्रत्यय, जो भ्रम इनके क्या हैं, भ्रम इनके धातु हैं और इनके जो प्रत्यय हैं न प्रत्यय होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आगच्छनम, जो आगच्छन है, आ इसका उपसर्ग होगा, गच्छ इसका धातु होगा और न इसका प्रत्यय होगा, ठीक है। उसी प्रकार प्रवदन, प्र इसका उपसर्ग होगा, प्र आप इसका उपसर्ग लिख सकते हैं, वद इसका वद लिख सकते हैं और न इसका प्रत्यय लिख सकते हैं। उसी प्रकार विचिंतियन, विचिंतियन जो लिखा हुआ है, बी उपसर्ग होंगे, चिंत इसके धातु होंगे और यन इसके प्रत्यय होंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको कुछ धातु प्रत्यय अलग करके बताया कि कैसे कैसे होते हैं। पुनः मैं बताना चाहूँगा, देखिएगा परिभ्रमण में जो दिया हुआ है, परिभ्रमण परि इसका क्या होगा, एक उपसर्ग के रूप में होंगे, भ्र भ्रम जो होते हैं ये उनके धातु होंगे और न जो होगा उसका प्रत्यय होगा। उसी प्रकार आ क्या होगा, इसके उपसर्ग होंगे, गच्छ इनके धातु होंगे और न इसके प्रत्यय होंगे। प्र क्या होगा, जैसे प्र की बात आ जा रही है, अब मैं यहाँ पर देखिएगा लिख रहा हूँ, प्र जो है यहाँ पर क्या होगा, प्र इसका उपसर्ग होगा और वद इसका प्रत्यय होंगे और इसके न इसके प्रत्यय होंगे। धातु आपका ये होगा और ये आपका उपसर्ग, ये आपका प्रत्यय, ठीक है। इसी प्रकार विचिंतियन, विचिंतियन का क्या होगा, बी बी इसके क्या होंगे, उपसर्ग होंगे, बी इसके उपसर्ग होंगे, चिंत इसके क्या होंगे,
धातु होंगे और यन इसके प्रत्यय होंगे, यन इसके प्रत्यय होंगे। इस प्रकार तीनों रूपों में आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, नीचे पैराग्राफ देखिएगा, नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, नीचे पैराग्राफ्स के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे और दिए हुए हैं, यथा के रूप में दिए हैं, विनम या वी नम लप प्रत्यय दिए हुए हैं, तो ये सभी आपके एक साथ बन सकते हैं। जैसे विलोक्य, विलोक्य इसमें क्या दिया हुआ है, विलोक जो विलोक को जो दिया हुआ है, विलोक्य एक ख नंबर देखिएगा, पहले ख नंबर के बारे में बात करते हैं। भक्षित्वा, भक्ष इसके क्या होंगे, धा उपसर्ग होंगे, और कत्वा इसका प्रत्यय होगा, क्या होगा, कत्वा इसका प्रत्यय, दो ही दिए हुए हैं, भक्ष और कत्वा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। उक्त्वा उ धन कत्वा, कत्वा इस प्रकार उकत्वा, क्रीधन कत्वा, भूधन त्वा, तो इस प्रकार सभी के जो अलग अलग उपसर्ग हैं और धातु हैं दिए हुए हैं, तो आप इस प्रकार उनको भी बना सकते हैं। उसी प्रकार ग नंबर जो दिए हुए हैं, विलोक्य निरक्षय निश्चय और नियोज्य, तो इस प्रकार विलोक्य का वी, बी यहाँ पर आएंगे, क्या आएंगे, उपसर्ग में बी आएंगे, धन नम आएंगे, धन ल्यप प्रत्यय आएगा, क्या प्रत्यय आएगा, ल्यप प्रत्यय, तो बी नम ल्यप प्रत्यय, तो विलोक्य का जो शुद्ध रूप है, ये उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश किया। उसी प्रकार निरक्ष दिया हुए हैं, निरक्ष दिए हुए हैं, निश्चय दिए हुए हैं, ये नियोज्य दिए हुए हैं। जैसे निरक्ष के क्या होंगे, नी धन रक्ष धन ल्यप प्रत्यय, सभी में ल्यप प्रत्यय आएंगे, नी रक्ष ल्यप प्रत्यय, ये निरक्ष का हो जाएगा, ये तीनों निरक्ष से बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार निरक्ष के बारे में बताया। अब देखिएगा निश्चत्य, तो इसने निश्चत्य दिए हुए हैं, नी धन इस धन ल्यप प्रत्यय, इनके भी होंगे ल्यप प्रत्यय, तो इस प्रकार निश्चत्य का क्या हो जाएगा, जैसे निश्चत्य का, ये निश्चत्य का, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, निवेज्य के क्या होगा, नियोज्य का भी उसी प्रकार आप बना सकते हैं। उसी प्रकार घ में बताया गया है, जैसे भेदुम भीत धंतुमुन प्रत्यय के बारे में आज की गई है, इसमें प्रत्यय के बारे में अलग से बात किया गया है, धातु के बारे में अलग से बात किया गया है, प्रत्यय के बारे में अलग से बात किया गया है, कुछ ऐसे उदाहरण देकर बताए गए हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर कुर्तुम, कुर्तुम एक क्या है, यहाँ पर एक प्रत्यय के रूप में कुर्तुम, कुर्तुम एक उपसर्ग है या पद बोल सकते हैं, कुर्तुम पद है, यहाँ पर कुर्तुम कर धन तुमुन, तुमुन इसका प्रत्यय होगा, कर धन तुमुन ए कुर्तुम होगी। ठीक है, उसी प्रकार बताया गया है भक्षितुम, भक्षितुम बताया गया है, भक्षय धन तुमुन प्रत्यय होंगे इनके, तुमुन प्रत्यय होंगे, भक्षय धन तुमुन प्रत्यय, तो ये भक्षय हो जाएगा। श्रोतम की बात आती है, श्रोतम स्रोत धन तुमुन, स्रोत स्रोत धन तुमुन, तुमुन प्रत्यय हैं जाएंगे, तुमुन श्रोतम, तो इस प्रकार श्रोतम के बारे में भी हम देख सकते हैं। उसी प्रकार चिंतीय तुम कभी होगा, चिंत धन तुमुन प्रत्यय होगा, तो इस प्रकार मैंने आपको कुछ प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी, तुमुन प्रत्यय के बारे में भी मैंने जानकारी दिया। चतुर्थ नंबर देखिएगा, चतुर्थ नंबर कुछ संधि रूप दिया हुआ है कि संधि कीजिए आपको, जैसे सिंहधन अवदत्त, सिंहधन अवदत्त के बारे में बताया गया है, सिंहोदत्त, सिंहोदत्त, सिंहधन अवदत्त, जब संधि विच्छेद क्या होते हैं,
जब शब्दों को तोड़कर अलग किया जाता है तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि जब करते हैं हम तो संधि जो बनी होती है उसको जोड़ना संधि कहलाता है। जैसे दो शब्दों के मेल को अलग करना या फिर अलग हुए शब्दों को मिलना संधि कहलाता है। तो इस प्रकार सुरह के बारे में बात की गई है। सुरह धन अयम, सुरोयम, सुरह धन अयम मतलब क्या हो जाएंगे, सुरो सुरो अयम ऐसे लिख सकते हैं आप। प्रकुपितः अयम, प्रकुपितः, प्रकुपितोयम, प्रकुपितो अयम, इस प्रकार प्रकुपितो अयम के बारे में भी आप लिख सकते हैं। दृष्टि असी, दृष्टिः, दृष्टः असी, दृष्टः धन असी, दृष्टा धन अति, दृष्टो असी, दृष्टः असी के बारे में बात की गई है। तो क्या होंगे, दृष्टो दृष्टो असी, दृष्टो असी, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको संधि क्रुद के बारे में भी बताया कि दृष्टो असी क्या होंगे। क्रुद्धतः अपरः, क्रुद्धतः अपरः क्या होंगे, सह अभाषत क्या होंगे। इस प्रकार कुछ संधि विषय के बारे में है तो आप अच्छे से समझ के देख के बना सकते हैं। पंचम नंबर दिए हुए हैं कि कह कम प्रति कथयन इति कृत्वा, कह कम प्रति कथि कृत्वा, पेज नंबर देखिएगा 11 के बारे में बात की गई है। 11 में देखिएगा यहाँ पर कह कथितम कृत्वा के बारे में बात की गई है। जैसे कह कम प्रति कथितम इति लिखा, कौन किसने कहता है यह लिखिएगा, इम्पोर्टेंस उतना इम्पोर्टेंस नहीं है कि किसने किससे कहा, ये क्वेश्चन आते नहीं है एग्जांपल्स में, तो इसको मैं नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करूँगा। तो देखिएगा जैसे मातुलः कथितम भगवान मत्तुमुखे मृत्युमुखे प्रविष्टः, श्रृंगाल ने कहा सिंह से, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इस प्रकार आप भी भर सकते हैं। शुद्धम विकल्पम के बारे में फिर से बात की जा रही है कि शुद्धम विकल्पम चुनित, आपको शुद्ध विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। जैसे श्रृंगालः सिंह दृष्ट्वा कथम अवदत्, ठीक है। तो सिरह विनिमय मतलब यहाँ पर बताया गया है श्रृंगाल सिंह को देखकर क्या कहता है, श्रृंगाल जो है सिंह को देखकर क्या कहता है। दृष्ट्वा मतलब देखकर होता है, कथम मतलब क्या होता है, अवदत मतलब होता है कहना, तो क्या कहता है, सिरह विनिमय, ठीक है। तृतीय नंबर बताया है सुरह काम नीति बिना साध्य नय भवती, सुरह काम नीति बिना साध्यम नय भवती, आपको बिना समझे बिना साध्य के हुए आपका काम संपन्न नहीं होता है। भेद दंडम साम दाम, है ना, भेद दंडम साम दाम, तो भेदम आपके आंसर होगी। इसी प्रकार तृतीय नंबर के बारे में बात कही गई कि सिंह कृदसम सत्वम ना भक्ष्यति, स्वहतम स्वयंमृतम अनहतम और अन्न प्राप्तम, तो क्या होंगे यहाँ पर, आप अनहतम को भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो अनहतम दिए हुए हैं अनहतम के बारे में लिख सकते हैं। नीचे जो दिए गए हैं समशक्तिम कै योज्यति, समशक्तिम कै योज्यति, समशक्तिम के बारे में बात की गई है। कै योज्यति दाने पराक्रमे नय बलह भोगे, तो क्या हो जाएंगे, पराक्रमे के बारे में बात की जाती है कि पराक्रम होते हैं जो कि सम शक्ति योजते, सम शक्ति के बारे में बात की गई है, यानी पराक्रम के बारे में बात की जा रही है। नीचे जो पंचम नंबर दिए हुए हैं कि नीचे शत्रु कया नित्या तो शून्यन्नी भवती, जो नीच शत्रु है, नीच शत्रु के बारे में बात की गई है कि कया नित्या तो शून्य भवती, तो शून्य भवती मतलब होते हैं जो शत्रु होते हैं, कया नित्य तो शून्य भवती कैसे होते हैं, भेदेन प्रणिपातेन अल्पावादेन और अल्प प्रदान, अल्प प्रदान जो होते हैं ये शत्रु के लिए होते हैं। उसी प्रकार एक श्लोक के माध्यम से बताया गया था जब नीचे में जब लास्ट में पढ़े थे कि उत्तम प्रणिपादेन सुरम भेदम योजते निच मल प्रदानेन समशक्तिम पराक्रमी, इस प्रकार हमारी जो मूल्यांकन असाइनमेंट्स है यह खत्म होती है। जैसे
सेवेंथ नंबर में आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो कि शिक्षा के विषय में कक्षाएं भी चर्चा करते हैं। उसी प्रकार क्या क्रियापदम के बारे में भी बात करेंगे, क्रियाकलाप में जो एक्टिविटी होते हैं आपको क्या एक्टिविटी करना है, जैसे कस्यचित इष्यम संधि विच्छेदम संधि, तो इस प्रकार आप क्रियाकलाप को एक्टिविटी को भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप एक्टिविटी को खुद कीजिएगा, क्योंकि खुद करने से क्रियाकलाप एक्टिविटी समझ में आती है। ठीक है बेटा।